सो ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी विंडोज 11 में यूजेबल रैम मेमोरी का जो इशू है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल 8GB का रैम है एंड जो आपका सिस्टम है वो 3.4GB ही यूज़ कर रहा है रैम को, तो इस एरर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, ये एरर काफ़ी ज़्यादा नए सिस्टम्स में देखने को मिलता है कि जो आपके सिस्टम में जितनी फिजिकल रैम मेमोरी होती है आपका सिस्टम उस पूरी रैम को यूज़ नहीं करता एंड उसके आधे से भी कम रैम को यूज़ करता है, जिससे कहीं जो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है एंड जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर जो अदर यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है एंड आप सोचते हैं कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। गाइस, वो सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होती, वो हार्डवेयर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गाइस, वो सॉफ्टवेयर इशू होता है क्योंकि गाइस कई रीजंस के कारण जो आपकी विंडो है वो आपका फुल रैम को यूज़ नहीं करती एंड जो है वो अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग ही जो मैक्सिमम जो रैम है उसको यूज़ नहीं कर पाती एंड जो अपने अकॉर्डिंग 3.45GB या 3.75GB रैम को यूज़ करने लग पड़ती है। तो गाइस, इस एरर को आज हम दो मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। गाइस, अगर आपके सिस्टम में फर्स्ट मेथड वर्क नहीं करेगा तो सेकंड मेथड 101% वर्क करने वाला है। सो आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गाइस, इस एरर को अगर आपको चेक करना है सिंपली यहाँ पे आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपकी जितनी भी गाइस सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है वो शो होने लग पड़ेगी। आप देख सकते हैं मेरा एक लो एंड लैपटॉप ही है तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड रैम 4GB है, तो आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम इसको फुल यूज़ कर रहा है। तो आप भी अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका भी ये इशू सॉल्व हो जाएगा एंड आपका भी सिस्टम में जितना इंस्टॉल्ड रैम है सिस्टम वो फुल शो करेगा। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोई भी यूजेबल वाला एरर नहीं है, 4GB मेरा फुल रैम यूज़ है। तो मेरे को भी ये एरर आया था एंड मैंने इसको कैसे फिक्स किया अब वो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। तो सिंपली गाइस, इसको आपको क्लोज कर लेना है एंड जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे आपको विंडोज़ प्लस आर की जो है वो प्रेस कर लेनी है एंड यहाँ पे आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। गाइस, अगर आपको रन कमांड विंडोज़ प्लस आर की से ओपन नहीं हो रही सिंपली गाइस, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे रन कमांड को सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक स्पेसिफिक ऐप विंडोज़ की तरफ से दिया गया। सिंपली गाइस, यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिर से वो ओपन हो चुका है। सिंपली गाइस, यहाँ पे आपको MS config जो है वो टाइप कर देना है। सिंपली यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। सो गाइस, सिंपली आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे MS config टाइप कर दिया, यहाँ पे आपको साइड स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको वही टेक्स्ट जो है टाइप करना है, सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सिंपली गाइस, यहाँ पे आपको बूट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गाइस आपको एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। देन गाइस, जो आपका नंबर ऑफ प्रोसेसर है यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है हाईएस्ट। ये गाइस आपके सिस्टम के प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, तो आपका जितना भी यहाँ पे हाईएस्ट जो प्रोसेसर का नंबर है, यहाँ पे आप मेरा 4 दिखा रहा है तो आपको हाईएस्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइस, यहाँ पे इसको आपको अनचेक कर देना तो आपको ये ऑटोमेटिक जो है 4 सिलेक्ट हो जाएगा। देन गाइस, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेमोरी पे चेक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.96 जो मेरी अभी जो बिल्कुल करेक्ट मेमोरी दिखा रहा है। गाइस, इसको आपको कैसे सेट करना है क्योंकि आपके सिस्टम में ये कम दिखाएगा, तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको विंडोज़ में कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लेना है। तो सिंपली गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सिस्टम में कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। गाइस, आपको भी कैलकुलेटर ओपन कर लेना है एंड इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपली गाइस, यहाँ पे आपके सिस्टम में जितना भी जो फिजिकल रैम जो इंस्टॉल्ड है, लाइक के आपके सिस्टम में 4GB की रैम स्टिक है या फिर 8GB की रैम स्टिक है, तो सिंपली गाइस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइप करना है। लाइक मेरे सिस्टम में 4GB का रैम है तो सिंपली मैं यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ एंड गाइस जो आपको 4 को इंटू कर देना है जितना 1GB में MB होती है, तो सिंपली हमें पता है कि 1024 जो MB हमारी 1GB में होती है, तो आपको जितने भी आपके सिस्टम में जितना GB का रैम इंस्टॉल्ड है, लाइक 4GB का है, तो 4GB को 1MB में जो 1GB में कितनी MB होती है उसके साथ इंटू कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1GB में हमारी 1024 जो MB होती है, तो सिंपली मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 4096 यहाँ पे हमारा आ गया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4096, तो ये मेरे बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो इस आपको भी कैलकुलेट करके यहाँ पे अपने सिस्टम के रैम साइज के अकॉर्डिंग जो है इसको टाइप करना है। आपको ये सेम टाइप नहीं कर देना, अगर आपका 4GB का रैम है तो आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं, बट अगर आपका 4GB का नहीं है तो आपको यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लाइक अगर आपका 8GB का, तो सिंपली यहाँ पे हम 8 को इंटू कर लेंगे 1024 के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1024 के साथ मैं इंटू कर देता हूँ, तो सिंपली गाइस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा 8192 आ रहा है। तो गाइस, इसी अकॉर्डिंग आप अपने रैम मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन गाइस, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो मेमोरी है इसको अनचेक कर देना।
गाइज इसको अनचेक करना आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है गाइज, अगर आप अनचेक करके एंड फिर अपने सिस्टम को जब बूट करेंगे एंड जो अगर आपको ये सेम प्रॉब्लम फिर से आती है देन गाइज यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेमोरी पे चेक करके देन ओके पे क्लिक करना है एंड फिर आपको अपने सिस्टम को रिबूट करना है। तो गाइज इसको आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनचेक करना है एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है एंड देन गाइज यहाँ पे आपको अप्लाई जरूर करना है एंड ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सिस्टम को ये रिस्टार्ट करने के बोलेगा। तो रिस्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिस्टार्ट करके देन अपनी आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है, इस प्रॉब्लम को चेक करना है कि ये सॉल्व हुई या नहीं। अगर गाइज नहीं होती है देन आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम मैंने वो मेमोरी वाला बताया उस पे आपको चेक करना है देन गाइज आपको ओके पे क्लिक करके अप्लाई करके देन आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है एंड ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें गाइज अभी मैं सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एग्जिट कर देता हूँ। देन गाइज जो मेरा सेकंड मेथड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है गाइज, वो कई सिस्टम्स में ही वर्क करता है। लाइक अगर आपका लैपटॉप है, लाइक अगर आपका कोई HP की नोटबुक वाला लैपटॉप है लाइक जो मेरे पास है, तो गाइज इसमें क्या होता है बायोस के अंदर जो वीडियो मेमोरी है उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं गाइज। इसके बायोस में कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सेटिंग वाला कोई सिस्टम होता है। तो गाइज अगर आप HP के लैपटॉप की नोटबुक या कोई भी डेल की लैपटॉप की नोटबुक यूज़ कर रहे हैं जो स्टूडेंट लैपटॉप होते हैं, तो गाइज उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया इसी के साथ सॉल्व हो जाती है, इसमें आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती। बट गाइज कई कंप्यूटर्स जो खासकर होते हैं जिसको आपने खुद के साथ बिल्ड किया होता है, अपने कोई ग्राफिक्स कार्ड जिसमें आपने खुद के कंपोनेंट ऐड किए होते हैं जो कंपनी की तरफ से नहीं आता, तो गाइज उसमें ये एरर जो है जो भी मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया वो कई बार वर्क नहीं करता, क्योंकि गाइज मेरे पास एक प्राइमरी PC है उसमें गाइज ये मेथड है जो वर्क नहीं करता एंड जो मेरा सेकंड मेथड है वो वर्क करता है। तो गाइज अगर आपका फर्स्ट मेथड वर्क कर जाता तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपका फर्स्ट मेथड वर्क नहीं करता देन आपको यहाँ पे सेकंड मेथड जो है फॉलो करना है। सिंपली गाइज आपको अपने जो सिस्टम से बायोस को जो है वो ओपन कर लेना। तो गाइज बायोस को एक्सेस करना काफ़ी आसान है। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को शट डाउन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको फिर से अपने सिस्टम को ऑन करना है एंड गाइज ये सिस्टम के अकॉर्डिंग कीज होती हैं। लाइक अगर आपकी F7 F8 है या एस्केप बटन कई लैपटॉप्स में देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर या कंप्यूटर का मॉडल नंबर डाल के, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेस कंटिन्यूसली करना पड़ता है। गाइज इस पर मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई थी, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं उसमें गाइज काफ़ी ज़्यादा कई बारी कीज जो है वो अलग होती हैं, तो यहाँ पे आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया कैसे आप अपनी विंडोज़ 11 में अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करें अपने बायोस कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको बायोस ओपन करना नहीं आता। सिंपली गाइज यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में बायोस ओपन कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सिस्टम में बायोस ओपन कर लिया है। गाइज अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। बट गाइज अगर आप राइजन या AMD का यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट बायोस का इंटरफेस हो सकता है। बट गाइज मेथड सभी सेम ही है। तो गाइज अगर आप वो वाला बायोस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये मेथड वर्क करेगा। तो सिंपली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रैम मेमोरी यहाँ पे भी अभी 4GB है टोटल रैम मेमोरी। सो अगर आपका 4GB का रैम है तो ये सेम मेथड आपको फॉलो करना है। अगर आपका 8GB 6GB जितना भी रैम है तो आपको सब में यही मेथड फॉलो करना है। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको जिसकी से आप गेम्स वगैरह खेलते हैं जो अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट की होती है यहाँ पे आपको रूल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली गाइज उसको आपको प्रेस करके यहाँ पे राइट पे चले जाना है। यहाँ पे आप देखते हैं मैं कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे गाइज आपको जो वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। गाइज आप अप एंड डाउन की से वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको IGD मिनिमम मेमोरी को जो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा ये ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर गाइज आप गेमिंग करते हैं तो आप इसको सबसे कम मत करना, क्योंकि गाइज अगर आप इंटीग्रेटेड जो वीडियो मेमोरी होती है उस पर गेमिंग करते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल वीडियो मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, आपके पास कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहे 2GB वाला 4GB वाला, आपके पास कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपको इसको कम नहीं करना, क्योंकि गाइज जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। सो गाइज अगर आप जो इंटीग्रेटेड जो इंटेल HD ग्राफिक्स होते हैं उन पे गेमिंग करते हैं तो आपको इसको कम नहीं करना। बट गाइज अगर आप गेमिंग नहीं करते तो आपको इसको सबसे कम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। एंड गाइज जो एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड जो है वो ऑलरेडी है तो आपको इसको सबसे कम सेलेक्ट कर देना, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देन गाइज यहाँ पे आपको मैं 32 सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि गाइज मेरे में एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे आपको देन एस्केप का बटन दबाना है एंड यहाँ पे आपको राइट जाना है एंड यहाँ पे आपको फिर से राइट जाना है
एंड यहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आपको वाई मतलब यस एंड एन मतलब नो, तो अगर आप इन चेंजेस को सेव करना है तो यहाँ पे आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप वाई प्रेस करेंगे आपका सिस्टम जो है वो बूट होगा एंड जो आपका ये वाला इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ अभी बताने वाला हूँ कि अगर आप इंटेल एचडी ग्राफिक्स में यूज़ करें तो ये मेथड आप मत यूज़ करना, क्योंकि गाइस जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। क्योंकि गाइस जो आपका इंटीग्रेटेड जो मेमोरी होती है, जो ग्राफिकल मेमोरी होती है, उससे ये क्या कम हो जाती है। तो गाइस अगर आपके पास एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको सबसे कम सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपका सिस्टम बूट हो जाएगा एंड जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपली गाइस अभी हमने अपने सिस्टम को बूट कर लिया एंड यहाँ पे हम दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हमें कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है, जो मेरा रैम है वो 4.00 GB ही है यूज़ में। तो गाइस इस तरह आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं, काफ़ी इजी मेथड है उसको फिक्स करने का। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।